ये सिर्फ भाईचारा हम निभाते हैं, जैसे रिंकू शर्मा ने निभाया जी। रिंकू शर्मा का जो हत्यारा था, रिंकू ने क्या उसके साथ गलत किया? उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत थी, दो बार इस बंदे ने अपना ब्लड दिया जी। ये छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको भी ब्लड की जरूरत थी, रिंकू ने अपना ब्लड दिया जी। इसको कोरोना में प्लाज्मा भी डोनेट इसने करवाया जी। तो भाई, तो भाईचारा तो ये नहीं भा रहा था, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने चारा बनाया, जैसा कि आपने कहा ये हमें हमेशा चारा बनाएंगे, क्योंकि कुरान की आयतें ये पढ़ते हैं। कुरान की आयतों में तुम काफिरों से उतना ही ताल्लुक रखो जितना की जरूरत हो, जितना की एक सुबह हर रोज लैट्रिन में जाना आवश्यक होता है। अगर काफिरों से किसी तरीके से ताल्लुकात रखना भी पड़े तो उसी तरीके से ताल्लुकात रखो। दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है कि इनके साथ कुछ मर्जी कर लें, ये दो चार दिन बोलेंगे पड़केंगे, इकट्ठे भी नहीं होंगे और क्या कहते हैं फिर शांत हो जाएगा, इसलिए इसको जितना रगड़ सकते हो रगड़ सकते हो। जबकि हैदराबाद वाले ने क्या कहा था कि हम 20 कहते हैं 20% हैं और वो 100 हैं, अभी हम 20 जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। ये उनका दुस्साहस, ये उनकी मानसिकता कहाँ से आई जी। ये जो उनकी मानसिकता है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार अपने नियमों में बंधी रहती है, पुलिस अपने नियमों में बंधी रहती है, लेकिन हमें अपने समाज को शक्ति के रूप में ला करके इस मानसिकता को, दुस्साहस को खत्म करना पड़ेगा जी, जी। हिंसा करो, कुछ भी करो करो, तो ये उकसाने के लिए कर रहे हैं। अगर वो अनसेफ होते, इतने साल तक राष्ट्र ये बने रहे तब तो वो अनसेफ नहीं रहे। अगर मुसलमान यहाँ सेफ नहीं रहते तो ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान आज इतने करोड़पति, आज सभी के चहेता है, स्टार है, उनकी हैसियत क्या थी? अगर उनका इतिहास देखेंगे, शाहरुख खान एक जोकर था सर्कस में, ये जितने भी लोग हैं अगर सुरक्षित होते तो इतने ऊपर रैंक तक कैसे पहुंचते और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोग कैसे बन जाते? ये बस है तरीका, एक लोगों को उकसाओ और जिहाद करो और भारत को इस्लामिक राष्ट्र, भारत को क्या पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक जिहाद बनाओ। यहाँ पे कोई असुरक्षित नहीं है। अगर मानता हो, अगर आप कह रहे क्या सुरक्षित है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? जा क्यों नहीं रहे? धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आपका पाकिस्तान है, हिंदुस्तान में आप क्यों कर रहे हैं, क्यों रह रहे? जाइए पाकिस्तान, असुरक्षित है तो यहाँ पे मत रहिए, जाहिर सी बात है। अखलाक की जब मौत हुई थी तब उस समय तुम्हारे आमिर खान को ये देश जो है रहने योग्य नहीं रहा था, असहनीय हो गया था। और इस समय जब उसके बाद में जबकि हिंदुओं की डेथ हुई थी तब उनको यहाँ डर नहीं लगता किसी प्रकार का जी, और अभी भी जो ये आज हुआ है उसके लिए एक कंगना ने ट्वीट किया है, एक अरुण गोविल ने ट्वीट किया है, लेकिन बाकी का जितना है हमारा ये है तुम्हारा बॉलीवुड है, ये सारा इस्लामीकरण के चंगुल में फंसा हुआ है। इस्लामीकरण के चंगुल में होने से के कारण से ही ये हमारी इस प्रकार की दुर्दशा हुई है। कितना मुस्लिम तुष्टिकरण है, इसको तो केजरीवाल की तो पेंट खोल करके देखनी भी चाहिए कि हिंदू भी है कि नहीं है। उसका नाम जी सूर्या भाई। सर ये जो घटनाएं लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं, लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है जिस तरीके से, पर आपके जी ये हमारी नपुंसकता का असर है, जो हम नपुंसक की तरह सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं ये उसी का असर है, जो हम लोग मर रहे हैं जी। जय श्री राम बोलने पर आखिर दिक्कत क्या है? जय श्री राम बोलने से किसी को क्यों दिक्कत हो रही है कि किसी के बेटा, किसी के घर के चिराग को बुझा दिया जा रहा है? क्योंकि उनके कुरान को वो मानते हैं जी। और जैसा कि मैंने कुरान के पहले ही कलमे का जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लंबा कलमा है, तो इसमें यह साफ कहा गया जो मतलब अपने अल्लाह के सिवा किसी को पूछता है वो काफिर है, उसका कत्लेआम करो। तो अब भाई ये उनके अल्लाह तो है नहीं, जय श्री राम का नारा, इसलिए वो काफिरों के देवता का नाम ले रहे थे, इसलिए मार दिया। और हर कोई मरेगा, सिर्फ हिंदू ही नहीं मरेगा, जय श्री राम का नारा लगाने वाले नहीं, ये जो ईसाई हैं या जो बौद्ध हैं, जो जैनी हैं, ये सब मरेंगे जी। जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो मरेगा जी, जी। और जय श्री राम का नारा लगाने, वो ममता बनर्जी भी तो है वहाँ पे, उन्होंने भी किया कि जय श्री राम का नारा लगाइए, हत्या हो जाती है वहाँ पे, लोगों के ऊपर FIR हो जाते हैं, अभी वो मंच से उठ के भी चली गई थी जी, जी, जी। तो ये नारे की बात नहीं है, ये वो बात है कि काफिर है, काफिर अपने धर्म का नाम ले रहा है, धर्म को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको मार दो ताकि इस्लाम को फैलने से कोई रोक ना सके जी, जी, जी। सर लगातार ये दिल्ली में तीसरी घटना है 3 महीने के अंदर, एक व्यक्ति को, राहुल को मार दिया जाता है, आदर्श नगर में एक व्यक्ति को इसलिए मारा जाता है कि वो अपनी बीवी से छेड़छाड़ का विरोध करता है, और अब ये रिंकू शर्मा की घटना, और इससे पहले भी ऐसी कई घटना हो चुकी है, पर वहाँ पर दिल्ली के जो CM है वो कहीं नहीं पहुँचते हैं, और वहीं एक अखलाक की मृत्यु हो जाती है दादरी में, तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं? बिल्कुल वो पहुँचेंगे ही, पहली बात तो उन्हें हिंदुओं से कोई मतलब ही नहीं है, वो एक दिखावे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं हिंदुओं का वोट पाने के लिए, लेकिन अगर उनके एक बयान को देखेंगे आप, सुनेंगे तो उन्होंने एक अपने बयान में मुस्लिमों के मन से ये बोला था कि मैं मोदी और अमित शाह को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, किसी भी हद तक जी। अगर कांग्रेस बोल दे कि 7 सीटें मैं जीत जाऊंगा, मैं दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो हिंदुओं के बारे में कब सोचा उन्होंने? इतनी सारी हत्याएं हो गई, कहाँ गए? जब अखलाक मरता, आपने सही बोला, उसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। अभी एक रेपिस्ट वो छूट गया जो निर्भया कांड में, उसके लिए वो सिलाई मशीन और वो पैसे रुपए भी दिए। एक मतलब आप रेपिस्ट को ये कर रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो। आज जितने भी जिहादी यहाँ पे पनप रहे हैं और जितने भी ये गलत एक्टिविटीज हो रही है, तो इसके जिम्मेदार साफ तौर पर केजरीवाल जी हैं, मुख्य रूप से उन्हीं का रोल है इसमें।
जी सर, आखिरकार जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा हिंदू फैमिली हैं, आधे से क्या 90% हिंदू फैमिली, पर फिर भी इतनी हिम्मत इन लोगों में कि सिर्फ इनका एक घर होने के बावजूद 90% जहाँ पे हिंदुओं की आबादी है वहाँ पर आकर ये मार दे रहे हैं एक हिंदू को। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये इसलिए मार दे रहे हैं क्योंकि इनका माइंडसेट पहले से ही तैयार है, क्योंकि उस कचरे को पढ़ने के बाद, जिसे मैं कचरा कहता हूँ, जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, जिसको फ्रांस ने बैन किया, जिसको बाहरी देशों ने बैन किया, उसको पढ़ने के बाद हर व्यक्ति एक आतंकवादी और एक रेपिस्ट और एक हत्यारा ही बनेगा। उसको पढ़ने के बाद कोई किसी की सेवा नहीं करेगा, तो ये मारेगा ही। और हिंदू क्यों मर जा रहा है, इतने सारे हिंदुओं के होने के बावजूद भी? इसलिए कि हिंदू अपने लिए खड़ा नहीं होता, जातिवाद में बटा है, उसे पड़ोसी से मतलब नहीं है, उसके घर में भी मतलब नपुंसक बना दिया गया। अगर कहा जाए तो एक तो साफ तौर पे कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस देश को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को, जितना खतरा धर्मियों से नहीं है उतना धर्म को जानने वाले लोगों के निष्क्रिय बने रहने से है। अगर वो अपने धर्म को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते, हिंदुओं के अंदर वो चीज़ें बताते जैसे ये बताते हैं मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर अपने कौम के लोगों को, वैसे अगर ये भी बताते कि आज हम अपने धर्म को कैसे बचाएं, अपने भाइयों की सुरक्षा कैसे करें, तो आज हर हिंदू, ये जितने भी घर हैं ना, ये सब सेफ रहते, आज किसी की हत्या नहीं होती। राहुल राजपूत या अंकित सक्सेना या कमलेश तिवारी, ये जो भी है, सब मरेंगे। आप भी मरोगे, सच कह रहा हूँ, मैं भी मरूंगा। हम सबको मरना है जब तक हम एकजुट नहीं हुए। और सर, यहाँ के कुछ लोग, यहाँ तक कि यहाँ के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं जो हामिद अंसारी, वो तक कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान को डर लगता है इस देश में। ये डर कहाँ है? डर तो हमें है। वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अपनी कौम को और उकसाने के लिए जी। ये एक उनका जिहाद है, इसे उकसाना जिहाद भी कह सकते हैं आप। तो अपनी कौम को उकसाने के लिए कि आप खतरे में हैं तो उबरो, उबरो और कुछ करो। सर, तबरेज अंसारी की मृत्यु होती है तो कुछ लोग पूरा रोने लगते हैं, सेक्युलरिज्म का जो ठेका उठा के बैठे, चाहे वो सरा भास्कर हो, बहुत लोग हैं इसमें, और कहीं पर ऐसी पैनल लेके भी घूमने लगते हैं अशेम्ड ऑफ हिंदू करके। पर जब हिंदुओं की मृत्यु होती है, हिंदुओं के साथ गलत होता है, चाहे वो बच्ची ट्विंकल शर्मा हो, उसके साथ कुछ गलत होता है, ये पूरा बॉलीवुड और ये जो सेक्युलर गैंग है ये चुप हो जाता है, ये कहीं नहीं नज़र आता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको भी बताना मुझे अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा। सबसे पहले बॉलीवुड की आप बात की है, तो बॉलीवुड के बारे में बता दूँ, बॉलीवुड इस्लामिक डी, जिसे डी संचालित करता है, वो एक पूरा इस्लाम का वो फैल चुका है, जिसको खत्म, मतलब बॉलीवुड में पूरा तरीके से इस्लामीकरण करने के लिए गुलशन कुमार की सबसे पहले हत्या की थी, क्योंकि गुलशन कुमार के रहते इस्लामिक जिहाद तेजी से नहीं पाता, जिस तरीके से वो टी सीरीज में भक्ति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको खरीदा गया, वो नहीं बिके तो उनकी हत्या हो गई। जितने भी आपके वो स्क्रिप्ट राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, सबको खरीदा गया, जो बिक गया वो बच गया, जो नहीं बिका उनकी हत्या हो गई। आज देखिए गुलशन कुमार की भी हत्या, जो आरोपी है वो घूम रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरा डी गैंग संचालित करता, तो बॉलीवुड कुछ बोलने वाला नहीं है इस चीज में। सुशांत सिंह का भी मर्डर हो गया, डी गैंग संचालित करता है, इसलिए उद्धव ठाकरे भी चुप, सब चुप है। तो बॉलीवुड से आप कुछ उपेक्षा ही मत करिए। अब रही बात कुछ वामपंथी पत्रकारों की और कुछ ऐसे यूट्यूबरों की भी बात कर रहा हूं जो हम हिंदुओं पे चुप हो जाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उनको ये जो इस्लामिक जिहाद चलाने वाले लोग हैं उनको वो फंड देते हैं कि आप हमारे लिए ट्वीट करिए, आप हमारे लिए वीडियो बनाइए, आप हमारा कैंपेन चलाइए, इसलिए वो उस चीज को चलाते हैं। हम हिंदुओं से उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए हमारे इस चीज को नहीं चलाते। वो अंदर से उनके, वो कहते हैं ना, हड्डी कुत्ता को हड्डी फेंकता है तो वो कुत्ता, वो बस वही वो कुत्ते हैं, इसलिए हमारे लिए वो नहीं वफादार है, वो अपने मालिक के लिए वफादार है। जी, 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 जी। जो दिल्ली के मुखिया हैं सर, अरविंद केजरीवाल जी, अखलाक से मिलने दादरी पहुंच जाते हैं, पर जब दिल्ली में इतनी घटनाएं होती हैं, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, राहुल और ये अब रिंकू शर्मा, और ऐसी काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं पहले भी, उनसे मिलने नहीं जाते हैं। इनका तो ये है, एक हमारा जो एक जो हिंदू है, ये हिंदू कभी इकट्ठा नहीं हुआ जी। और मुस्लिम जो है, उनके मुस्लिमों के जितने भी वोट हैं वो सारे एक साथ करके आते हैं वहाँ पर, इसीलिए आप देखोगे ये कितना मुस्लिम तुष्टिकरण है। इसको तो केजरीवाल की तो पेंट खोल कर देखनी भी चाहिए कि हिंदू भी है कि नहीं है जी। और ये जितने भी ये मदर टेरेसा का शिष्य, अगर आप गौर करेंगे इनका इतिहास निकालेंगे, मैंने तो पूरा इनका अध्ययन किया हुआ है, ये मदर टेरेसा का शिष्य रहे हैं और ये ईसाई है। अगर आप इनकी फैमिली एक्टिविटीज को देखेंगे, इनकी वाइफ या इनके और भी, तो ये सिंदूर मंगल सूत्र वगैरह कोई भी हिंदू रीति रिवाज का कुछ नहीं रखते ना, इनके घरों में वो चीजें हैं, तो ये ईसाई है, कन्वर्टेड है, तो हिंदुओं के बारे में सोचेंगे कैसे? जाहिर सी बात है। बस कल प्रियंका वाड्रा को देखा गया संगम में डुबकी लगाते हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए और चुन्नी ओढ़े हुए, पर आज वही प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी जब ऐसे हिंदुओं की मृत्यु हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तब चुप होते हैं, कहीं नहीं निकल के आते, चाहे किसी भी घटना में नहीं निकल के। वो आएंगे क्यों? वो आएंगे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है कट नहीं जाएंगे। पहली बात, वो खुद मुस्लिम है ना, वो मुस्लिम और ईसाई के वो जो बीज है, हिंदुओं का बीज तो है नहीं, लेकिन हिंदुओं को चूतिया बनाना, बेवकूफ़ बनाना है, इसलिए कभी वो पहन लेंगे, आरती करेंगे, वो करेंगे। और वही बोलते हैं राहुल गांधी कि मंदिर में जाने वाला रेपिस्ट होता है, बलात्कारी होता है,
तो ये ढोंग है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा प्रियंका के बारे में, प्रियंका ये सब बनावटी हिंदू बने हुए हैं। अगर ये हिंदू है तो हिंदू में बहन भाई का एक रक्षाबंधन का पर्व होता है जी। क्या इस प्रियंका ने राहुल गांधी को एक भी दिन अपनी राखी बांधी क्या? जितनी भी हमारी महिला होती हैं उन मांग में सिंदूर भरती हैं जी, बिंदी लगाती हैं, क्या कभी किसी ने प्रियंका गांधी के बिंदी लगी और सिंदूर भरता देखा क्या? क्या इस प्रियंका ने कभी करवा चौथ का व्रत रखा क्या जी? ये हिंदू नीतियों को जितनी भी आप देखोगे इसके अंदर प्रियंका के अंदर कोई बात बांध बैठती नहीं है।